जनवरी 11 इंफोसिस के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स बाहर हुए हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीजें रिजल्ट्स में है उसको हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम कुछ महीनों आगे जाते हैं, ये किस महीने की मैं बात कर रहा हूं, बिल्कुल मार्च एंड के समय में, ठीक है। जो अप्रैल का महीना था तो फाइनल रिजल्ट्स आए थे, तो चूंकि नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा था तो कंपनी ने गाइडेंस उस समय दिया था कि वो 4-7% जो है रेवेन्यू ग्रोथ उनका होने वाला है, ठीक है, और मार्जिन जो है 20-22% होने वाला है। फिर जैसे जैसे साल आगे बढ़ता हुआ, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अब अक्टूबर के समय में क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आए, ठीक है, मतलब सितंबर एंड के, और आप देखिए उन्होंने गाइडेंस को कितना कर दिया, 1-2.5% कर दिया। चलिए ये भी थोड़ी सी पुरानी न्यूज हो गई है। अब आ जाते हैं जब दिसंबर एंड के रिजल्ट्स आए हैं जनवरी 11 को, तो क्या गाइडेंस हमको देखने को मिल रहा है, 1.5-2%। तो देखिए यहां दो चीजें समझनी है, लोअर एंड में पहले कंपनी कह रही थी कि हम 1% तक ग्रोथ करेंगे, अब 1.5% तक, मतलब इतना भी खराब नहीं होने वाला है कि 1% या 0% ग्रोथ होने वाला है, ठीक है। अपर एंड में फिर भी कंपनी ने कहा था कि हम 2.5% तक ग्रोथ कर सकते हैं, कब, उस अक्टूबर के महीने में, ठीक है। अब कितना कह रहे हैं वो कि वो 2% ग्रो करेंगे, मतलब आप ऐसा मान लीजिए कि लास्ट ईयर जितना ग्रो उन्होंने किया था उससे 1.5-2% ग्रोथ होगा। जैसे ये इंफोसिस, यहां पर मैं आपको लाइव दिखाता हूं, ये स्क्रीनर है, ये देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, ओके, और सबसे ऊपर क्या है, ये जो सेल्स और जो रेवेन्यू है उसी पार्ट को मैं यहां देखता हूं। ये मार्च 2023 का जो है रेवेन्यू है कितना है, 1,46,767 करोड़ का। तो मोटा मोटी यही एक्सपेक्टेशन आपको रखना है कि इससे कुछ 1-2% के आसपास ही रेवेन्यू ग्रोथ होगा, ठीक है। अब जब कोविड आया था, फिर वर्क फ्रॉम होम और फिर बहुत सारी चीजें हुई थी, तो उससे आईटी सेक्टर को बहुत ही अच्छा एक पुश मिला था। खासकर आप देखिए 2020 में 90,000 करोड़ के आसपास उनका रेवेन्यू था और लास्ट ईयर आते आते 1.46 लाख करोड़ हो गया। तो ये साल जो रहा है अभी 2023-24, ये थोड़ा कंसोलिडेशन वाला साल आप मान सकते हैं। इंप्लॉयज के लिए भी, अगर आपके आसपास कोई इंप्लॉयज होंगे तो आप भी देख पा रहे होंगे कि थोड़ा सा पेन जो है या फिर जो स्लो ग्रोथ है उनको भी थोड़ा झेलना पड़ सकता है। तो ये लास्ट 2-3 साल बहुत ही अच्छे रहे हैं आईटी सेक्टर में, लेकिन अभी जो ग्रोथ है थोड़ा स्टेग्नेंट यहां पर हो रहा है, ठीक है। मार्जिन वही 20-22 ही रहने वाला है। ओवरऑल ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसा है, नेगेटिव ग्रोथ यहां पर हुआ है। ऑपरेटिंग मार्जिन जो कंपनी ने कहा है 20-22% उतना ही है, मैं समझाऊंगा इसको भी आपको। YTD इंक्रीज मतलब जो प्रॉफिट है थोड़ा सा यहां पर इंक्रीज हो रहा है, YTD में हो रहा है। हाँ, अब फ्यूचर के लिए कुछ अच्छी चीज एक न्यूज के आई है कि उनको $3.2 बिलियन का उनको टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मिला है, बहुत सारी नई डील्स उनको मिली है, तो फ्यूचर के लिए उनको ग्रोथ के कुछ पॉजिटिव न्यूज आ रहे हैं। अब देखिए यहां इंफोसिस एज ए आईटी कंपनी, उनको कहां से मैक्सिमम बिजनेस मिलता है, जैसे फाइनेंशियल, कम्युनिकेशन और फिर हाईटेक, आप ऐसा मान सकते हैं लगभग 46-47% बिजनेस वहीं से मिलता है और वहां पर एक्चुअली में डीग्रोथ हुआ है, ठीक है। एनर्जी सर्विस 13% बिल्कुल फ्लैट है, रिटेल बिल्कुल फ्लैट है। तो इसीलिए आप देखेंगे जो अलग अलग बिजनेस सेगमेंट है वहां पर भी ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। अब ये क्यों ऐसा हो सकता है, देखिए 85% से ऊपर बिजनेस जो है उनका US से आता है, यूरोप से आता है, UK से आता है, वहां पर स्लो डाउन जैसा है। जैसे कि हमने देखा था कि जो फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, तो सोच लीजिए वहां का कोई क्लाइंट है तो बड़ा खर्चा करने से वो बच रहे हैं। अब इससे क्या हो रहा है कि जो इम्पैक्ट है हमारी आईटी कंपनियों को आ रहा है, क्योंकि सोच लीजिए वहां की कोई एक टेलीकॉम कंपनी है या कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या वो US की कोई बैंक है, तो कोई बड़ा खर्चा करने से वो अभी फिलहाल बचेंगे कि जो भी आईटी वाला खर्चा है अर्जेंट तो नहीं है, ठीक है 6 महीने बात करेंगे, 2 साल बात करेंगे, वो ऐसा सोच रहे हैं। तो इसलिए यहां पर इंपैक्ट आ रहा है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंफोसिस में है, TCS है या फिर HCL या फिर जो दूसरी भी आईटी कंपनीज है वहां पर हमको ये इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब जो चीज मुझे जो पर्सनली जो दुखी करती है वो ये है कि इससे हमारे एम्प्लॉइज इस पर इंपैक्ट हो जा रहा है। जैसे दिसंबर 2022 में 3,46,845 एम्प्लॉइज थे, कहां, इंफोसिस में। इस बार देखिए 3,22,663 एम्प्लॉइज हैं, मतलब ईयर ऑन ईयर एम्प्लॉइज कम हुए हैं। सितंबर के कंपैरिजन में भी, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट 3 महीने में भी आप देखेंगे एम्प्लॉइज यहां पर कम हुए हैं। यस, कंपनी के लिए अगर कुछ अच्छा हुआ है कि एट्रिशन यहां कम हुआ है, लेकिन कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि हमारे एम्प्लॉइज कम हो, लेकिन क्यों कम हो रहे होंगे, या तो वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हायरिंग नहीं कर रहे होंगे जो भी कैंपस में वो चाहते थे, थोड़ा बहुत कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा नहीं, और दूसरा है कि ग्लोबल माहौल थोड़ा सा अनसर्टन है, तो फिर इतने एम्प्लॉयज को कहाँ किस प्रोजेक्ट में जो है उनको एब्जॉर्ब करेंगे, तो वो चैलेंज कंपनियों के लिए भी रहता है। बट यस, आने वाले टाइम में मैं जरूर देखूंगा कि ये जो एम्प्लॉयज के नंबर भी स्ट्रांग होते रहे, ताकि जो हमारे जो ग्रेजुएट्स जो निकल रहे हैं उनको भी जॉब मिलती रहे। दोस्तों रेवेन्यू
बहुत कुछ इतना दिखाने जैसा नहीं है, 1.3% ही ग्रोथ रेवेन्यू में हमको देखने को मिल रहा है। और फिर रेवेन्यू के बाद में बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे इंप्लॉय खर्चा, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, ये सब खर्चा करके हमको क्या मिलता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। रेवेन्यू को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से माइनस कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग 20.5% का मार्जिन है, जो कि उस रेंज में ही है। ओवरऑल ये है इंपॉर्टेंट कि प्रॉफिट कैसा है, प्रॉफिट एक्चुअली में 7% गिरा है, जो कि थोड़ा सा जो है मायूस करने वाला डेटा है कि लास्ट ईयर और इस साल प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है। तो ओवरऑल अगर आप नंबर्स को देखेंगे तो नंबर्स में कोई एक अच्छा सरप्राइजिंग एलिमेंट जैसा नहीं देखने को मिल रहा है, जो कि एटलीस्ट गाइडेंस से हमको देखने को मिल सकता था कि ठीक है, आपने पिछले 2-3 क्वार्टर से आपने गाइडेंस को कम करना शुरू किया है, ओके है कि ठीक है आपका ग्रोथ जो है 1% 2% उसके पास होने वाला है, लेकिन अगर यही गाइडेंस को थोड़ा सा अगर अप कर दिया जाता तो क्या एटलीस्ट सेंटिमेंट में पॉजिटिव हो जाता कि यस कंपनी को जितना खराब देखना था देख लिया है, अब नेक्स्ट क्वार्टर से चीजें अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, जो गाइडेंस है सोच लीजिए 3-4% हो जाता तो थोड़ा अच्छा हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, गाइडेंस वही है 1.5-2% के आसपास है। हाँ मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा कि बिल्कुल शॉकिंगली बहुत खराब हो गया है, अगेन वही गाइडेंस की बात, कोई गाइडेंस कितना उन्होंने 1-2% के आसपास का गाइडेंस आ रहा है, अगर वही गाइडेंस को वो नेगेटिव गाइडेंस कर देते तो कि भाई हम अब डीग्रोथ करेंगे तो फिर तो बहुत ही सेंटिमेंटली नेगेटिव हो जाता। जो रिजल्ट्स हैं एक मतलब इसमें कुछ बहुत ग्रोथ हमको देखने को नहीं मिला है, बट ये मैं सिर्फ फर्स्ट कट यहाँ पर लाया हूँ, अभी भी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आएगी, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट कमेंट्री आएगी, ये सब चीज़ों को लेकर हम अगले कुछ दिनों में एक वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा अटली फाइनेंशियल आज़ादी। थैंक यू दोस्तों।